सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं देर में आपका दर्शन करवाते हैं और खुद भी दर्शन करते हैं। तो फिलहाल बहुत सारे भक्त लोग आए हैं यहाँ पे, मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब था, भीगते भीगते हैं। तो फिलहाल गाड़ी पार्क करना है, काफ़ी गाड़ी पब्लिक है यार यहाँ पे। सुनो भाई, हमें तो गाड़ू छू भाई, ये अपनी बाइक यहाँ पे पार्क हो जाएगी, यहीं पर डाल दो यार, आने वाली का जगह नहीं रहेगा भाई। इधर जब तक हम कब आएंगे तब तक लगा दो, इधर लगा दो। फाइनली गाइस गाड़ी तो पार्क हो गई है, हम लोग निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये मेरा भाई पीछे है, हाँ गाइस देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे। शाम का मौसम तो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे। भाई क्या कहना चाहेगा, फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे? फर्स्ट टाइम है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर भाई। अभी तो बाहर से इतनी अच्छी फील आ रही है, अंदर जाने के बाद शंकर भगवान का दर्शन करने के बाद तो और अच्छा लगेगा। और काफ़ी पब्लिक है, आप देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक है, आगे पीछे हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। मतलब यार मैं तो कहूँगा अगर आप गुजरात या सूरत में आते ना तो एक बार ज़रूर शंकर भगवान का दर्शन करें। यहाँ में बाबा गलेश्वर महादेव मंदिर है, फुट भी आप निकल गया इधर निकाल दे, अरे गायब नहीं होगा, निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मंदिर में एंट्री करने से पहले चप्पल या जूता जो भी आप पहनेंगे बाहर ही निकालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सोच रहा है कि चप्पल कैसे निकाले, एक चप्पल यहाँ निकालेगा एक चप्पल वहाँ पर निकालेगा, एक यहाँ पे निकाल देगा वहाँ पे निकाल दे, जोड़ा रहेगा तो कोई भी लेके जा सकता है। ठीक है निकाल भाई, इतना भी क्या सोच रहा है, अंदर का नज़ारा देख सकते काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार। कला कला हो गए भाई साहब, यहाँ हम आ चुके हैं